वालेकुम इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक जो कंपनी होती है उसकी फॉर्मेशन किस तरह होती है कौन सी स्टेजेस हैं जिसके ज़रिए एक कंपनी को आप बनाते हो तख्लीक करते हो सो so दोस्तों वैसे हम मर्केंटाइल लॉ की सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं और उसके अंदर जो सबसे पहला जो सेक्शन है वो है कंपनी लॉ और उसका आज ये दूसरा टॉपिक है पहला टॉपिक कंपनी क्या है उसकी करेक्ट्रिस्टिक्स क्या है वो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूं सो so, इस वीडियो में हम सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी को देखेंगे सबसे पहले हमेशा की तरह डेफिनेशन आपको दोबारा रिपीट करवा देता हूँ कि कंपनी क्या होती है कि जनाब कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जो कानून के जरिए तख्लीक किया जाता है यह कोई नेचुरल पर्सन नहीं होता जिस तरह कोई इंसान होता है या कोई जानवर है इस तरह कोई नेचर नेचुरल चीज़ नहीं है नेचर ने नहीं बनाया बल्कि हम उसको खुद बनाते हैं लेकिन किसके ज़रिए कानून के ज़रिए और वो कोई भी कानून हो सकता है आ, हर कंट्री के अंदर कंपनीज़ के अपने अपने कानून होते हैं जैसे हमारे यहाँ कंपनी एक्ट दो चल रहा है कहीं पे अठारह सौ चल रहा है कभी कौन सा चल रहा है तो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ लॉज होते हैं हर कंट्रीज़ के अंदर उस कानून के तहत जब कोई आर्टिफिशल पर्सन को तख्लीक किया जाता है तो हम उसको कंपनी बोलते हैं फिर उसकी एक सेपरेट लीगल इंटिटी होती है परपिचुअल उसकी एग्जिस्टेंस होती है उसका एक कॉमन सील यानी एक स्टैंप होता है उसकी लायबिलिटी भी लिमिटेड होती है सो so ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं और ये एक्चुअली एक एसोसिएशन होती है ये एक किस्म की आर्गनाइजेशन होती है जिसमें मख्त लोग मिल के कोई काम शुरू करते हैं और फिर उस काम को उस आर्गनाइजेशन को हम नाम देते हैं कंपनी का और वैसे कंपनी जब भी बनती है तो उसको हमेशा रजिस्टर्ड करवाया जाता है जो भी कंपनी का उस वक्त जो कानून चल रहा होता है जैसे अभी हमारे यहाँ कंपनीज एक्ट 2017 चल रहा है तो हम उसी कानून के तहत उसको रजिस्टर्ड करवाएंगे अगर आप रजिस्टर्ड नहीं करवा रहे तो वो फिर कंपनी नहीं कहलाएगी ये आपने याद रखना फिर ये तो हो सकता है कि आप व्हाट्सअप के ऊपर एक ग्रुप बना लें अपना कोई और कहीं हम कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन आप जब तक उसको कानून और कानूनी तौर पे उसको कंपनी एक्ट से 2017 के तहत आप उसको रजिस्टर्ड नहीं कराते तब तक वो कंपनी नहीं कहलाएगी बहुत सारी कंपनीज दुनिया में काम करती हैं हर एक मुल्क के अंदर बड़ी कंपनीज़ हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है जिस तरह कोका कोला है पेप्सी है ये सारी कंपनीज़ हैं सो ये सारी चीज़ें सो अब इसमें हम ये देखेंगे कि यार इसकी जो फॉर्मेशन किस तरह होती है यानी एक कंपनी है मतलब आप और आपके कुछ दोस्त मिलकर कंपनी बनाना चाहते हैं तो भाई अब आपको पता होना चाहिए कि कंपनी कि किस तरह बनती है सो मैं आपको बिल्कुल आसान अल्फाजों में और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा सिंपल सा बताऊँगा कि कंपनी किस तरह बनाई जाती है अब जनाब कंपनी जो है ना वो शुरू तो होती है आपके एक थॉट से आपके एक ख्याल से एक आइडिया से ठीक है और वो जो आइडिया जब प्रैक्टिकली जब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो कंपनी बन जाती है अगर आप लोगों को याद हो कि एक शाहिद कपूर की फिल्म आई थी बदमाश कंपनी 2010 में वो कहते हैं कि बड़े से बड़े जो कंपनी है ना वो पैसे से नहीं बन बनती बल्कि एक आइडिया से बनती है एक ख्याल से बनती है अगर आपका ख़्याल बहुत अच्छा है तो यानी आप एक्चुअली पहले सोचते हो कि यार मैं कोई इस तरह का काम शुरू करूँ मैं इस तरह की कंपनी बनाऊँ वो आपका जो ख्याल है वो एक्चुअली प्रैक्टिकली जाके कंपनी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है सो अब इसके जो मेजर स्टेप्स हैं हम उनको अगर देखें तो सबसे पहला स्टेज है प्रोमोशन उसके बाद रजिस्ट्रेशन उसके बाद इनकोपरेशन और उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज यानी बिजनेस को स्टार्ट करने की स्टेज ये चार स्टेजेस हैं अब हम इनको ज़रा डिटेल में देखते हैं भाई सबसे पहले है प्रोमोशन स्टेज इसमें क्या होता है इसमें जनाब ये जो कुछ लोग जो कंपनी बनाना चाहते हैं ना उनका जो थाट प्रोसेस होता है ना उसके लिए वो वर्कआउट करते हैं या देखो मेरे चार दोस्त हैं मैं और अरसलान और मुश्ताक और जाफर हम क्या कर रहे हैं हम ये सोच रहे हैं कि हम कोई कंपनी बनाएं तो अब हम कंपनी बना रहे हैं अब हमने हम हमने पहले एक अपने एक हमारे जहन में एक चीज़ चल रही है कि यार हमने कोई अच्छी सी चाय का होटल हो या कंपनी ओपन करते हैं जिसका नाम होगा ट्रक की बत्ती ठीक है और उसमें ये चीज़ें भी हम देंगे हम देसी चाय भी देंगे हम विलती चाय भी ब्लैक कॉफ़ी भी ये वो सारा कुछ और घर में हम पहुँचाया करेंगे हम डिलीवरी किया करेंगे मतलब इस तरह की हम एक ना कंपनी बनाने के बारे में सोच रहे हैं अब उसका उसका जो एग्जीक्यूशन है वो कैसे होगा सबसे पहले हम क्या करेंगे वैसे सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि यार ये किस तरह का कारोबार होगा किस तरह हम इसको लेके चलेंगे और कहाँ कहाँ पे ये अच्छा चलेगा किन किन इलाकों में अच्छा चलेगा मिसाल के तौर पे अगर हम इसको कराची में लगाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त चलेगा क्योंकि आपको पता है कराची के लोग बहुत शौक़ से चाय पीते हैं और अगर हम किसी ऐसी जगह जाएँ जैसे इस्लामाबाद है इन ऐसे इलाकों में जाएँ जहाँ लोग पे चाय बहुत कम पीते हैं तो वहाँ पर तो नहीं चलेगा तो हम एक ने एक्चुअली उसकी अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे हम एरिया ढूंढेंगे जगह ढूंढेंगे कि कहाँ पर इसको जो है ना कंपनी बनाई जाए क्योंकि जहाँ पर हमारा बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा बने उसके बाद फिर हम क्या करते हैं हम सारा वर्कआउट करेंगे कि पैसा हम कहाँ से लगाएंगे अच्छा वो टेक्निकल स्टाफ होगा लीगल पॉइंट्स भी देखेंगे कि यार लीगली तौर पे हमने उसको रजिस्ट्रेशन भी करानी होगी सारी चीज़ें देखनी होगी तो हम पूरा एक ना होमवर्क करेंगे अपनी कंपनी के बारे में हम पैसा कहाँ से लगाएंगे लोग कौन से रखेंगे और बिल्डिंग कौन सी होगी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा होम डिलीवरी के लिए लड़के कहाँ से लगाएंगे और किस तरह काम होगा मोबाइल पर होगा कि नहीं होगा फूड पौंडा पर अपनी कंपनी लगाएँ कि नहीं लगाएंगे मतलब ये सारी चीज़ें हम हम ये सोचेंगे हम इनके ऊपर काम करेंगे और उसके बाद फिर हम जनाब उसका जो कैपिटल का बंदोबस्त करेंगे फिर इस तरह यानी कि हम पहले ना हम पहले होमवर्क करेंगे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ख्याल के ऊपर चीजें हम उसका पूरा एक स्ट्रक्चर बनाएंगे अपने पेपर वर्क पे हम जिस तरह यार देखो हम अक्सर जब पेपर में कोई क्वेश्चन आ जाता है जो आपने तैयार नहीं किया होता और फिर आपको वो करना भी बड़ा लाजमी होता है क्योंकि अगर आप नहीं करते तो फिर आप फ़ेल हो जाते हो तो आप क्या करते हो ब्रेन स्ट्रामिंग करते हो ब्रेन स्ट्रामिंग करते हो आपने आइडियाज लिख के हो तो यार इसमें ये पॉइंट भी लिखूंगा ये भी लिखूंगा आप मतलब एक रफ वर्क करते हो तो ये जो रफ वर्क होता है किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए कि उसका पैसा कहाँ से आएगा कौन से बंदे काम करेंगे टेक्निकल स्टाफ क्या होगा बिल्डिंग कौन सी लेंगे जगह उसका फर्नीचर इंफ्रास्ट्रक्चर ये सारी चीज़ें जो आप करते हैं हम इसको क्या बोलते हैं प्रोमोशन स्टेज ठीक है पहली स्टेज बड़ी क्लियर कि ख्याली तौर पे सारी चीज़ें आपने आपने बता, बनाया कि यार ये पैसे यहाँ से लगाएंगे ये चीज़ें यहाँ से लेंगे डायरेक्टर उसको बनाएंगे और जनाब वर्कर ये रखेंगे मतलब सारा कुछ आपने जहनी तौर पे या वैसे ही आपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपने वो उसका जो भी था आपने सारी चीज़ें आइडियाज लिख दिए उसके बाद आती है दूसरी स्टेज अब दूसरी स्टेज में आपने पहली स्टेज में तो आपने सारी चीज़ें क्लियर कर लीं कि पैसा कहाँ से लगाएंगे कहाँ बिल्डिंग बनाएंगे कहाँ दफ्तर होगा फलां कुछ फलां फलां ये सारा कुछ उसके बाद जो एम काम है अब आप उसको उसके लिए क्या करोगे रजिस्ट्रेशन करवाओगे हाँ जी ये सबसे अहम चीज़ है कि रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए और रजिस्ट्रेशन कहाँ पे कराओगे भाई कंपनीज लॉ के तहत आप ना जो भी कंपनीज़ के, के हवाले से जो दफ्तर होगा जो एक रजिस्ट्रार का दफ्तर होता है जहाँ पे कंपनी रजिस्टर्ड करवाई जाती हैं आप उस उस बंदे के पास चले जाओगे और उसको कहोगे कि हजूर ये जो है ना हमारी कंपनी रजिस्टर्ड करें अच्छा जी वो कहेगा अच्छा तुम लोगों ने कंपनी बनाई है जी बनाई है तो वो फिर आपसे ना कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेगा कुछ चीज़ें मांगेगा आपसे तो वो फिर आपको लाजमी देनी पड़ेंगी अगर आप वो नहीं देते तो कंपनी नहीं बनती अब वो क्या चीज़ें हैं इस रजिस्ट्रेशन के अंदर मज़दीद क्या चीज़ें हमें चाहिए होती हैं जब हम कंपनी बनाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो आपको एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वैसे ये क्या है ये मैं आपको वैसे डिटेल में तो आगे बताऊंगा लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे इतना बताता हूँ कि मेमोरेंडम एसोसिएशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर आपने लिखा होता है कि ये कंपनी क्या है इसका नाम क्या है और इसका मकसद क्या है यह ट्रक की बत्ती है इसका मकसद है लोगों को अच्छी सी चाय पिलाना ज़बरदस्त किस्म की चाय पिलाना हमारा मकसद सिर्फ ये चाय प्रोड्यूस करना है और लोगों तक पहुँचानी है बस डेट्स सेट तो एक तो डॉक्यूमेंट आपने ये देना है दूसरा डॉक्यूमेंट होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इसके अंदर आपने डिटेल बतानी है कि हमारी कंपनी किस तरह काम करेगी यानी हम चाय तो बनाएंगे हमारा मकसद चाय बनाना है हम लोगों को प्रोवाइड भी करेंगे फ्री डिलीवरी लेकिन किस तरह हमारी कंपनी किस तरह काम करेंगी उसके डायरेक्टर कितने होंगे चाय बनाने वाले कितने होंगे और जो डिलीवरी हम किस तरह करेंगे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह होगा तो ये कंपनी अंदर किस तरह से चल रही है वो सारी चीज़ें हम इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिख देंगे उसके बाद फिर जनाब हम ना उनको एक लिस्ट देंगे डायरेक्टर्स की जो हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स होंगे कि भाई ये जो हमारी है हमारी कंपनी के डायरेक्टर हैं ये जो सारे मामलात देखेंगे ये एच देखेंगे ये सारा कुछ देखेंगे तो वो लिस्ट भी देनी होती है ताकि रजिस्ट्रार को पता हो कि हाँ यार ये बंदे जो है ना पक्का काम कर रहे हैं कोई कच्चा काम नहीं कर रहे सो so, मैं क्या बता रहा हूँ मैं रजिस्ट्रेशन वाली स्टेज बता रहा हूँ दूसरे नंबर पे और उसके अंदर मैं आपको क्या स्टेप बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपने मेमोरेंडम एसोसिएशन यानी अपनी कंपनी का मकसद बताना है उस डॉक्यूमेंट के ज़रिए फिर आपने आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन जिसके अंदर आपने बताना है कि हम ये कंपनी कैसे चलाएंगे अंदर उसका मेकानिज़म क्या होगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा मालिक कौन होगा डायरेक्टर कौन होगा चाय बनाने वाले कौन से होंगे फ्री डिलीवरी वाले लड़के कौन से होंगे ये सारा कुछ ठीक है जी और उसके बाद लिस्ट ऑफ़ डायरेक्टर्स देंगे उसके बाद वो जो डायरेक्टर की जो लिस्ट थी ना उनका हम रिटर्न कंसेंट भी जमा कराएंगे यानी वो डायरेक्टर अपना एक 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 डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखेंगे कि जी हम बिल्कुल राज़ी हैं हम डायरेक्टर हैं हम ये आप, आप मान लें हम इनके साथ जुड़े हुए हैं और हम काम करने के लिए तैयार हैं तो हम एक्चुअली रजिस्ट्रार को ये बताएँगे कि भाई जान ये जो है ना डायरेक्टर्स ये एग्री हैं हमारे साथ काम करने के यानी ये ना हो कि हम एवें किसी का डायरेक्टर का नाम लगा दें ठीक है उसको पता ही ना हो गया तुम लोगों ने मुझे अपनी कंपनी में डायरेक्टर बना दिया मुझे पता नहीं है ऐसा नहीं है तो हम भाई उससे बाकायदा एक रिटर्न डॉक्यूमेंट्स लिखवाएंगे साइन करवाएंगे वो कंपनी वो रजिस्ट्रार को बताएगा कि भाई मैं इस कंपनी का डायरेक्टर बन चुका हूँ और मैं अपने होश व हवा से इस कंपनी का डायरेक्टर बन गया हूँ तो ये चीज़ होनी चाहिए उसके बाद फिर जनाब आप ना एक नोटिस ऑफ एड्रेस भी यानी कि वो जमा कराएंगे जिसमें आपका पूरी जो आपका ऑफिस होगा उसकी लोकेशन क्या होगी उसकी हेड ऑफ़िस क्या होगी ये सारा कुछ दफ्तर वगैरह बताएंगे उसके बाद जनाब आपको फिर एक लीगल डिक्लेरेशन जमा कराना पड़ेगा वो डिक्लेरेशन क्या होगा आप किसी भी वकील के ज़रिए कोई भी लीगल पर्सन के जरिए आप जमा करेंगे यानी आप उसमें डिक्लेयर करेंगे कि भाई मैं अपने होश हवा से ये कंपनी बना रहा हूँ कानूनी तौर पर इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है और आप इसको डिक्लेयर करवाते हैं अदालत के ज़रिए कानून के ज़रिए और फिर वो जो डॉक्यूमेंट है वो भी आप क्या करते हैं रजिस्ट्रार के ऑफिस के ऑफिस के पास जाके जो कंपनी का रजिस्ट्रार होता है जिसने रजिस्टर करना है आपकी कंपनी को उसके साथ अटैच करते हैं सो so, ये होगी दूसरी स्टेज सो so, दूसरी स्टेज में ये ही चीज़ें हमें चाहिए यानी मेम्बर एसोसिएशन का डॉक्यूमेंट चाहिएगा आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर उनकी फिर रिटर्न कंसेंट फिर नोटिस फिर डेक्लेसन ये सारा कुछ जब ये सारी चीज़ें जमा हो जाएंगी रजिस्ट्रार साहब के पास उसके बाद फिर तीसरी स्टेज शुरू हो जाती है जिसका नाम है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉप्रेशन उसके बाद जना रजिस्ट्रार सारे डॉक्यूमेंट्स देखेगा आपके ये जितने भी चीज़ें आपने जमा करेंगे ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये सब जितने नोटिस मोटिस एंड डिकलरेशन वगैरह तो जब वो उसको लगेगा कि हाँ यार ये यप ये सारी चीज़ें दुरुस्त हैं सही हैं बिल्कुल ठीक हैं तो वो फिर आपको एक सर्टिफिकेट देगा और इस तरह आपकी कंपनी वजूद में आ जाएगी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉपरेशन हो जाएगा लेकिन उसके बाद फिर एक और स्टेज भी आती है और वो स्टेज सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए है प्राइवेट कंपनी के लिए नहीं है यानी वो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस यानी बिजनेस स्टार्ट करने का भी सर्टिफिकेट दिया जाता है अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो उसको ये सर्टिफिकेट चाहिएगा अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो उसको बस सर्टिफिकेट और इनकॉपरेशन मिल जाएगा वो अपना काम शुरू कर सकती है बाकी उसको कुछ नहीं चाहिए लेकिन ये जो बिज़नेस वाला सर्टिफिकेट है ये उसको चाहिएगा जो पब्लिक पब्लिक से मराज जो सरकारी किस्म की कंपनी हो उसमें क्या होगा कि यार एक्चुअली ना पब्लिक कंपनीज़ जो है ना उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है ना इन उसके बाद फिर बिज़नेस वाला भी सर्टिफिकेट यानी कि लेना लाजमी होता है उसमें यह होता है कि वो एक्चुअली एक प्रॉस्पेक्टस मार्केट में देते हैं और बताते हैं लोगों के कि जी हमारी ये पब्लिक कंपनी है और आप हमारे शेयर्स ख़रीदें फिर जब आपके शेयर सारे के सारे बिक जाते हैं और आपकी सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं तो उसके बाद जाके न रजिस्ट्रार साहब ना आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं और उसके बाद फिर आप अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं यानी जिस दिन आपको यह सर्टिफिकेट मिलेगा बिज़नेस स्टार्ट करने का तो उसके बाद ही आपकी कंपनी में वजूद में आ जाएगी ठीक है ये शर्त किसके साथ है ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी के साथ है जो प्राइवेट कंपनी है उसमें बस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉपरेशन चाहिए उसके बाद उसका काम शुरू हो जाएगा लेकिन जो पब्लिक कंपनी है उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉपरेशन के बाद सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी चाहिएगा उसके बाद ये कंपनी अपना काम शुरू कर देगी सो दोस्तों ये थी जनाब चार स्टेजेस जो है ना कंपनी को फॉर्मेट करने के लिए बनाने के लिए सबसे पहले प्रोमोशन दोबारा रिपीट कर दो तो प्रोमोशन का मतलब है जो चीज़ें आप क्या हो कहाँ से पैसा लगाएंगे कहाँ से बंदे लेके आएंगे कहाँ से फर्नीचर लाएँगे कहाँ बिल्डिंग होगी कहाँ दफ्तर होगा ये सारा कुछ जनाब आपने वो एक रफ़ ड्राफ्ट बनाया उसके बाद जो मेन चीज़ है रजिस्ट्रेशन करवानी है वो सबसे अहम चीज़ होता है उसमें फिर आपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराने अपनी कंपनी का मेमोरेंडम एसोसिएशन उसका आइन क्या होगा उसका मकसद क्या होगा फिर अंदर किस तरह हमारी ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी फिर रिटर्न हो गए फिर डायरेक्टर्स की लिस्टें देंगे फिर उनकी उनकी रजामंदी हो जाएगी उसके बाद फिर एड्रेस जमा कराएंगे फिर डिक्लेर देंगे उसके बाद तीसरी स्टेज है इनकॉपरेशन उसके बाद वो आपको सर्टिफिकेट देंगे इनकॉपरेशन का ठीक है उसके बाद प्राइवेट कंपनी तो बन जाएगी लेकिन पब्लिक कंपनी को उसके बाद भी फिर एक और सर्टिफिकेट चाहिए होगा जिसको हम बिजनेस स्टेज बिजनेस सर्टिफिकेट भी बोलते हैं तो उसके बाद वो बिजनेस स्टार्ट कर सकेगी लेकिन जो प्राइवेट है वो इनकॉपरेशन स्टेज के बाद ही चालू हो जाएगी लेकिन पब्लिक वाली जो है ना उसको फिर बिजनेस सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा सो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक कंपनी की फॉर्मेशन की क्या स्टेजेस हैं मैंने बड़े आसान करके आपको समझाने की कोशिश की है दुआ है यकीन है कि समझ आ गया होगा अगर नहीं आया तो दोबारा वीडियो देख लो अगर आया है तो फिर लाइक और सब्सक्राइब कर लो ठीक है जी अपना बहुत सारा ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़